दोवत्ती से सेलाना बस स्टैंड तक सिटी फोर लेन के निर्माण के लिए की गई खुदाई में आज एक लोडिंग ऑटो रिक्शा पलटी खा गया। पलटी खाए रिक्शा को लोगों ने वापस सीधा खड़ा किया। घटना दोपहर करीब 3:30 बजे के लगभग की है। एक लोडिंग ऑटो रिक्शा पावर हाउस रोड स्थित दुकान से सामान भरकर धारमंडी की ओर जा रहा था। पावर हाउस रोड पर मंडी और सेलाना बस स्टैंड चौराहे के बीच चल रहे सड़क निर्माण के लिए की गई खुदाई में यह लोडिंग रिक्शा पलटी खा गया। रिक्शा के पलटी खाते ही लोगों की भीड़ लग गई। रिक्शा चालक पलटी खाते रिक्शा से बाहर कूद गया था। रिक्शा को लोगों ने किसी तरह से बाहर निकालकर खड़ा किया। सेलाना बस स्टैंड से दोबत्ती सिटी फोर लेन का निर्माण कार्य सेलाना बस स्टैंड की ओर से शुरू किया गया है, जिसके तहत सड़क की खुदाई का काम जारी है। लेकिन इस सड़क मार्ग को पूरी तरह से बंद नहीं किए जाने से राहगीर अभी भी निकल रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कौन खोद के जा चुका है? कौन खोद के गया यहाँ पे? सीवरेज वाले काम है ये, बस खोद के चले गए। उस समय उनको भराव कर रहा था, नहीं तो सुबह से कितनी बार गाड़ियाँ फंस गई। सुबह से एक ऑटो रिक्शा फंस गया था, उसको हमने जेसीबी से निकलवाया। इसके अंदर कोई लोडिंग जो गिरा है, इसके अंदर कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ है? नुकसान तो क्या बेचारे का, जो ऑटो रिक्शा है अब वो लोडिंग टेम्पो वाला ही बता सकता है। एक टीवी चैनल द्वारा अजमेर वाले बाबा के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ रतलाम ख्वाजा सामाजिक संस्था सरदम सेवा समिति एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहर काजी के नेतृत्व में संस्था के सदस्यगण एवं कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता स्टेशन रोड पुलिस थाने पहुंचे। थाने पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें टीवी चैनल एवं उसके एंकर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। सर, यह आवेदन हमने इस उद्देश्य से दिया है कि न्यूज़ 18 का जो पत्रकार एक डिवाइड करता है, उसमें हमारा ख्वाजा गरीब नवाज मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गलत लफ्ज लेता है, तो उससे हमारे जो हम संस्था चलाते हैं ख्वाजा सामाजिक संस्था, ठीक है, और जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं उन सब के दिल पर ठेस पहुँची है। इस कारण हम थाने पे कलेक्टर मैडम को और भी जहाँ जहाँ भी रतलाम के सभी थानों पे माड़क चौक थाना, दोबत्ती थाना, सालाकड़ी चौकी सब जगह हम आवेदन देंगे और उसके नाम की एफ आई आर कटाई जाएगी। दूसरी बात यह है कि गरीब नवाज मोहिनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ उसने जो गुस्ताखी करी है उसके लिए उसे माफ़ नहीं किया जाए। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, 229 के तहत उसके ऊपर मुकदमा हुआ और 229 के तहत मुकदमा हुआ और हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त सुप्रीम कोर्ट उसके उसका लाइसेंस बैंड करे। सुप्रीम कोर्ट से उसको सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसका केस लड़ेंगे, भले कुछ भी हो जाए। जब तक नाम क्या उसका, अमीश देवगन इस्लाम के शहर काजी अहमद अली साहब और अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो है हम मुस्लिम समाज के लोगों ने जो है ज्ञापन दिया है। अभी 18 न्यूज़ चैनल के एंकर जो है अमीश देवगन जो है उसने जो है आपत्तिजनक जो है गरीब नवाज के खिलाफ आपत्तिजनक बोल बोले हैं और आपत्तिजनक जो है वो डिबेट की है उसने, तो उसके खिलाफ जो है मुस्लिम समुदाय और सभी वर्ग के लोगों में आक्रोश है। इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने थाना प्रभारी स्टेशन रोड पर ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या किस तरह के आपत्ति है आप लोगों की, क्या उन्होंने बोला और क्या आपत्ति है आप लोगों को? उन्होंने ख्वाजा साहब ने मोहिनुद्दीन चिश्ती साहब को लुटेरा बोला है, इससे सारे मुस्लिम समाज अरे रुक जाओ, इनको बोलना, इनको बुलवा, इससे आहत हुई सारी। हाँ, क्या बोला उन्होंने और किस बात को लेकर आपत्ति? उनको जो है डिबेट पे लाया गया था और गरीब नवाज के खिलाफ उन्होंने जो है लुटेरा वगैरह बहुत अपशब्द बोले हैं। हम लोग जो है गरीब नवाज के खिलाफ ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं जो उस शख्स ने बोले हैं, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उस चैनल पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो चैनल चल रहा है, उस चैनल के खिलाफ भी कार्रवाई की है, उस चैनल को बंद करने की डिमांड की है। शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों के साथ ही शहर में कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में आने वाले रहवासियों की निरंतर परेशानी बढ़ती जा रही है। कारण साफ है, कंटेनमेंट एरिया WHO के नियमों के मुताबिक बनाए जा रहे हैं, जिनमें परिवर्तन कर छोटा भी किया गया है, लेकिन स्थिति साफ नहीं होने से नागरिकों में आशंका ही रहती है, जिससे सवाल पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कंटेनमेंट एरिया के नियम क्या है।
नागरिकों के मन में बड़ा सवाल तो यह है कि कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर घर आ जाते हैं लेकिन कंटेनमेंट एरिया नहीं हटाया जाता है, यही सवाल धनमंडी क्षेत्र के रहवासियों ने उठाया है। ये धनमंडी का कंटेनमेंट एरिया है, ये रतलाम शहर का प्रमुख व्यावसायिक मार्केट है जिसको एक कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से पिछले 17 दिन से बंद किया गया है और ये अभी तक पूरा बंद है, जबकि कोरोना मरीज को सही होकर आए भी आज लगभग 7 दिन हो गए हैं, फिर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्षमता से आधी सवारी लेकर बसों को चलाने की शासन ने अनुमति दी है। मंगलवार से बस परिवहन शुरू होना था जो नहीं हो सका। कम सवारी लेकर पूरा टैक्स देकर बसें चलाने में बस मालिकों को रुचि भी नहीं है। बस मालिक पूर्व से ही टैक्स माफ करने की मांग कर चुके हैं। बसों का परिवहन शुरू नहीं होने से यात्री परेशान है। बस स्टैंड पर सन्नाटा छाया रहता है। जिले की 350 बसों सहित 800 बसें शहर के तीनों बस स्टैंड से गुजरती है। बसों का परिवहन शुरू नहीं होने से बस स्टैंड पर व्यापार करने वाले व्यापारियों के सामने भी आर्थिक संकट गहरा गया है। बस स्टैंड पर व्यापार करने वाले व्यापारी ने बताया, मनीष माथुर, ये दुकान जो बंद पड़ी हुई है क्या कारण रहा है? सुनिए, बसें नहीं चल रही है तो दुकानें बंद नहीं होगी तो क्या होगी? यहाँ पर खाने पीने के वांदे पड़ गए, लोग क्या व्यवसाय मिले? कितनी दुकानें? यहाँ पर 20 दुकानें सर, 200 दुकानें बंद है। इनका खान पीन कैसा, क्या चल रहा है? क्या खान पीन, कोई सरकार से भी कोई मदद नहीं है और व्यवसाय भी नहीं चल रहा, तो बस चला रहे हैं जैसे तैसे और बंद दुकानों का बिजली बिल अलग आ रहे हैं। पेलेंट्री वगैरह कुछ ली जा रही है? बिल्कुल साहब, वो तो पेलेंट्री, नल का बिल, ये वो सब में आ रही है, किस्त चुकानी उसमें पेलेंट्रियाँ लग रही है, कहाँ से क्या करेंगे समझ में ही नहीं आ रहा। शहर में निवास करने वाले उत्तर भारतीय लोगों के हितों के संरक्षण के लिए गठित उत्तर भारतीय समाज के पदाधिकारियों का शहर कांग्रेस द्वारा सम्मान किया गया। शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कचहरिया ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। समारोह में नवगठित उत्तर भारतीय समाज के अध्यक्ष महित मिश्रा, सचिव डीपी सिंह, उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ठाकुर, संयोजक दीपेंद्र सिंह ठाकुर, जितेंद्र पांडे का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर किया गया। समारोह के अंत में देश की सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन आज हमारे देश में कल रात को बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे देश की सीमा पर हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं और मैं आज शहर कांग्रेस के माध्यम से चाहता हूँ सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन देकर उनको श्रद्धांजलि, हमारे वीर सैनिक शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। नगर निगम स्वामित्व की इमारतें जर्जर होकर हादसों का कारण बनी हुई है। खतरनाक भवन घोषित करने वाला निगम अपने स्वामित्व के खतरनाक मार्केट घोषित नहीं कर पा रहा है और हादसों की शुरुआत हो गई है। निगम के न्यू रोड और कोठारी मार्केट का छज्जा भी पूर्व में बारिश में हादसों का कारण बना था। वहीं कुछ दिन पहले भुट्टा बाजार मार्केट का छज्जा भी भरभरा कर धराशायी हुआ था। इतने हादसों से आखिरकार नगर निगम सबक नहीं ले सका और अब सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर बना नगर निगम के रेन बसेरा मार्केट अपनी जर्जरता की कहानी बयां करने लगा है। निगम के इस मार्केट की खासियत तो यह है कि इस मार्केट का जब से निर्माण हुआ तब से अब तक निर्माण पूरा ही नहीं हुआ, जितना भी निर्माण हुआ वह भी जर्जर और खतरनाक हो गया है। इस मार्केट की एक दुकान की छत भी हादसों का शिकार हो गई। वह तो अच्छा है कि दुकान बंद थी, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस मार्केट में व्यापार करने वाले व्यापारियों ने एन टाइम्स को बताया, ये तो कई सालों से साहब ऊपर से छत गिर रही है, रोज पोपड़े गिरते हैं, ये अभी छत गिरी है दीवार दुकान की, ये इधर का भी छत गिरी है, आगे हर दुकानों के ऊपर पोपड़े गिरते हैं, रोज का काम है ये तो। नगर निगम में भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। अधिकारी भी आए, बोल के गए कि यहाँ वोट लगाओ तो यहाँ कोई मर नहीं जाए, कुछ किसी के ऊपर नहीं गिर जाए, बाकी कोई ध्यान नहीं देते हैं। कलेक्टर भी आए, सब देख के गए, सब बोलते गए, बाकी कोई ध्यान नहीं देते।
कितने साल में कितनी बार कार्रवाई हो चुकी है? कई सालों से चल रही है, कम से कम हमारे को देखते देखते 10 साल तो हुए होंगे। उसके बाद भी प्रशासन सो रहा है? कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनता है। दुकानदार को बेवजह टैक्स लिया जा रहा है, राजस्व प्राप्त करते हैं हमसे। बिना किसी सूचना के आम नागरिक बनकर करीब आधा दर्जन मकानों में घुसकर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ जमकर हाथापाई की। ये लोगों ने जाते जाते इन मकानों के रहवासियों को बताया था कि वो पुलिस वाले हैं। ये घटना रिंगनौद पुलिस थाना क्षेत्र के असावती पुलिस चौकी के ग्राम कुमारी की है। यहाँ के निवासी नागू सिंह, तेज सिंह, शांतिलाल और नाथूलाल के घर के में गत दिवस रात्रि में अचानक 8-10 लोग पहुंचे और घर में केवल महिलाएं थी। इन लोगों ने गांव का व्यक्ति बनकर दरवाजा खुलाया और घर में घुस गए। घरों में रखा सामान अस्त कर दिया, कई कमरों के दरवाजे और खिड़की को तोड़ दिया। इन लोगों को रोकने के लिए आगे आई महिलाओं के साथ इन लोगों ने हाथापाई की। इस घटना में हुए शोर शराबा सुनकर आसपास वाले भी जाग गए थे। घटना के बाद जाते जाते इन सभी ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताया था। पीड़ित चारों परिवार की महिलाएं आज इस घटना की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, लिखित शिकायत की। शिकायत में पुलिस से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। कहाँ रहते हैं? कुमारी। क्या हुआ था आपके साथ में? हमारे साथ मेरे को जगाड़ी थी पुलिस वाले ने। कितने बजे की बात है? 2 बजे। रात में 2 बजे की बात है? हाँ, 2 बजे की बात। आप तीनों पास पास में ही रहते हैं? हाँ, पास पास में रहते हैं हम। तीनों मकान में आए थे वो? हाँ, तीनों मकान में आया थे। क्या किया उन्होंने आपके साथ में? मैंने जगाई थी 2 बजे। हाँ, उसके बाद मैं जग गई, मेरे को क्या सो जा। अच्छा, तो मैं सो गई। हाँ, तो पीछे से घुसा। हाँ, और दरवाजा तोड़ दिया मेरा। अच्छा, तो मैंने चिल्लाटी की, मेरा आंटी जी आ गया। उसके बाद पुलिस ही भाग गई हत्ताबाजी करके। निर्मला, क्या हुआ था आपके साथ? पुलिस वाले आए थे रात को 2 बजे और जबरदस्ती दरवाजा खटखटाया, उन्होंने बोला दरवाजा खोलिए, मैंने दरवाजा नहीं खोला, जबरदस्ती की उन्होंने। और घर पे कोई नहीं थे, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं थे, मैं अकेली थी, छोटा सा भाई था मेरे साथ में। उन्होंने जबरदस्ती करके दरवाजा खुलवाया और घर में घुस गए।